the impossible. I'm irresponsible. Jet, I'm phenomenal. Yeah. I got an arsenal. Oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. No, I'm not stopping, no. Let's go. तो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि पिछली बार हमने तीसरा पार्ट किया, तो ये चौथा ही पार्ट होने वाला है ऑब्वियसली। तो हम आपने स्टार्टिंग में ट्रेलर देखा था, जिसमें क्या हुआ था कि जो कैप्टन प्राइस था वो लेके गया था सोप को, ये जो लेटा हुआ है, जिसको आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा पूरी वीडियो में। तो उसी के साथ हम देखते हैं आगे क्या होगा पूरी स्टोरी में, देखते रहिए। तो अब मैं थोड़ा बाहर मारने मूरने के बाद यहाँ अंदर आता हूँ और सोप की मदद करता हूँ, उसकी छत्ती में इंजेक्शन घोपता हूँ ताकि ठीक हो जाए। तो और तभी हमारे घर में घुस बैठिए घुस बैठ जाते हैं। तो हम उन्हीं के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उनको वो कैप्टन प्राइस बड़ी ही चतुराई से फेल देता है, कैप्टन प्राइस का जवाब नहीं। फिर हम आगे घुसते हैं और यहाँ पर उड़ाते हैं कुछ बंदे, जैसा कि आप देखते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी के इसके मज़े ले रहा होता हूँ, लेकिन ये मेरे मज़े बना देता है और मेरे को कवर में जाने के लिए मजबूर भी कर देता है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे करके, यहाँ से मैं आगे जाता हूँ और इस जगह में पहुँचता हूँ। यहाँ पे मैं गन भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यार कभी कभी होलोग्राफिक भी बढ़िया चलता है रेड डॉट के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं फिर और आगे पीछे पेलता हूँ और उसके बाद एक नेड भी आता है तो मैं लेट जाता हूँ और कवर में घुस जाता हूँ। फिर मैं भी एक फेंक देता हूँ ताकि सामने वाले उड़ सके, जिनमें से सारे तो नहीं लेकिन दो उड़ जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कैप्टन प्राइस को मदद की जाए, तो मैं भी एडीएस खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पे कोई होता ही नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा देखता हूँ, काटता हूँ और उसके बाद निकल लेता हूँ अपनी जॉब पे। अब यहाँ पे कुछ बंदे मारता हूँ मैं, पिलते भी हैं। उसके बाद कैप्टन प्राइस एक नेट फेंक देते तो मैं बोलता हूँ उसके कवर के लिए मैं भी फेंक देता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा वेट करके, कि हाथ में जो गन है वो लॉन्ग रेंज में ज़्यादा बढ़िया है, क्लोज रेंज में तो है ही लेकिन लॉन्ग में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया काम करती है गन। खैर जो भी हूँ, मैं कवर टू कवर पहुँच के गाड़ी तक पहुँचता हूँ, यहाँ से टैप टैप करके मारता हूँ और मैं नेट को देखना ही भूल जाता हूँ, जिसके कारण नेट उड़ा देता है मुझे और मेरे को रिस्पॉन होना पड़ता है। भाई साहब दुख बहुत होता है जब मौत मिलती है, क्योंकि मन करता है कि एक ही चांस मिल जाए पर होता ही नहीं ऐसा, क्या करें, ज़िंदगी बेकार है आजकल के लिए। तो अब जिस गन की मैं चर्चा स्टार्टिंग से ही हमेशा से करता आया हूँ, वो गन अब मिल चुकी है, पीकेपी, जो कि एक मशीन गन है 100 गोलियों वाली, सबसे खतरनाक गन। सबसे खतरनाक तो शायद नहीं, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब खैर एक बार ये सारी बातें साइड में रख के मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि पहली बार आपको ऑडियो सुनाई दे रहा होगा गेम का, क्योंकि अभी तक कोई ऑडियो सुनाई नहीं देता किसी के ऑडियो का। और मेरे फ्रेंड ने इसीलिए मेरे को ये कहा था कि भाई तुम्हारा ऑडियो क्यों नहीं आता, ऑडियो रिकॉर्ड करो ना। अब जब दोस्त ने भी बेइज्जती मार ही दी थी कि ऑडियो नहीं आ रहा है, तो यार अच्छा थोड़ी ना लगता ऑडियो ना रिकॉर्ड करने का। तो बहुत मुश्किल से एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढा जिससे ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाए, तो सही है यार। और ये रिकॉर्डर मेरा लॉयलो है, लॉयलो नाम का स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा लॉयलो रिकॉर्डर को, क्योंकि मैं पहले बैंडीकैम यूज़ करता था और बैंडीकैम से रिकॉर्ड होता था, बढ़िया रिकॉर्ड होता था, पर लेकिन यार उस
उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था, जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी, लेकिन लॉयलो में वो चीज़ हो रहा है। बस अंतर इतना ही है कि लॉयलो में जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसमें से जो स्पेस बनता है ना, कुछ ज़्यादा ही बन जाता है मेरे भाई। अगर आप 13-14 मिनट या 15 मिनट तक की वीडियो बना लोगे ना, 1 GB तक हो जाएगा उसका स्पेस। पर खैर वो मैं किसी तरह अपने एडिटर टूल से कम कर लेता हूँ, जिसका नाम है काइन मास्टर। यहाँ पे बहुत प्रमोशन हो गया इन सब चीज़ों का, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको भी स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड करना हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा लॉयलो सबसे बेस्ट है। बैंडी कैम भी बेस्ट है यार, लेकिन उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता, या होता भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाई लॉयलो फ्री और बेस्ट ऐप है यार। मेरे को तो बेस्ट लगा सब है। तो यार अब मैं किसी तरह आगे बढ़ जाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इधर रुक जाता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ अपने टीममेट्स का कि कब आएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कैंपर, मैं बच गया किसी तरह, फेल ही गया हूँ। तो यहाँ पे मैं भगते भगते किसी तरह आ जाता हूँ गेट तक, और वेट करता हूँ टीममेट्स का। तो वो घुसते हैं, अब हम एक ऐसी गुप्त जगह में जाते हैं जहाँ से हम डिस्ट्रॉय कर सके हेलीकॉप्टर और सोप को बचा ले किसी तरह। सोप को हमें हेलीकॉप्टर में बैठाना होता है, ले जाना होता है, और हम यूरी होते हैं जो इसमें मदद कराते हैं। और यूरी का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आपको पता चलने वाला है आगे, देखते रहना, बहुत ही खतरनाक रहस्य निकलेगा यूरी का। अभी हम वही बन के खेलते हैं। तो अब हम यहाँ अंदर घुस जाते हैं प्राइस के साथ, यहाँ से वो मशीन निकालते हैं, और वो मशीन बहुत ही खतरनाक है, जिस मशीन को मैं आपको, मतलब इसकी झलक इस वीडियो में दिख जाएगी, लेकिन मैं इसका पूरा गेम प्ले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, बिल्कुल तबाही मचा देंगे उसमें हम, बिल्कुल ही ख़तरनाक कर देंगे पूरा सीन सेट सब बदल। और ये मैं फालतू में चला रहा हूँ जानता हूँ, क्योंकि अब कोई यूज़ नहीं है इसका, क्योंकि अब वो मशीन ये रही वो जितनी झलक मैं बताना चाह रहा था, यही है वो मशीन गन जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यार तब तक के लिए टेक केयर। I'm gonna go to the next part of my video.